गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी रुकावट या प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं आ रही होगी, जैसे से हम लोग आप लोगों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं। आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, डेयरी इंडस्ट्री की ओर, डेयरी उद्योग की ओर। जैसा कि आपने इसका नाम कई बार सुन चुके होंगे, डेयरी इंडस्ट्री क्या होता है, जहां पर दुग्ध का उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन किया जाता है, वो डेयरी इंडस्ट्री में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए डेयरी इंडस्ट्री टॉपिक पढ़ते हैं। बुक खोल लीजिएगा आप लोग, टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और वीडियोज को रिवाइज जरूर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए। एनिमल आर यूजिंग डोमेस्टिक एनिमल्स टू ऑब्टेन मिल्क सिन एनिशियंट टाइम्स। नाउएडेज मिल्क प्रोडक्शन बिकम्स ए मेजर एंड बेनिफिशियल बिजनेस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। प्राचीन काल से कुछ पालतू पशुओं को पालतू कर उनके दुग्ध का पोषण करता आ रहा है। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन डेयरी उद्योग का एक प्रमुख व लाभकारी व्यवसाय बन गया है। वर्तमान में डेयरी उद्योग है ना, दुग्ध उत्पादन का प्रमुख, लोग बिजनेस के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भैंस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। बफेलो आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मिल्क प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। सम गुड ब्रीड्स ऑफ बफेलोज आर एस फॉलो: जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, भदावरी, मेहसाना। अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को आप लोग। कुछ यहाँ पर भैंसों की अच्छी नस्लें के नाम, जैसे जाफरावादी, मुर्रा, सूखी, भदावरी, मेहसाना, ये भैंसों की अच्छी नस्लों के नाम जिनसे दुग्ध हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसी प्रकार आपको गाय की कुछ नस्लें के नाम दिया गया है कि सम गुड ब्रीड ऑफ काउ आर फॉलो: गिर, साहिवाल, सिद्धि, देवकी, हरियाणा। इसके अलावा गाय की कुछ अच्छी नस्लों के नाम गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणा आदि। इसके अलावा कुछ गोट्स की बात करते हैं। इन सम स्टेट गोट्स आर आल्सो डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क प्रोडक्शन: सिरोही, बारबारी, कश्मीरी, पश्मीना, जमुनापरी, ETC आर गुड ब्रीड्स ऑफ यू। यहाँ पर कुछ बकरियों की किस्मों के नाम दिए गए हैं, सिरोही, बारबारी, कश्मीरी, पश्मीना, जमुनापरी आदि बकरी की कुछ अच्छी नस्लें। तो ये जो नाम बताया ना मैंने आपको, इन सभी एनिमल्स से, पेट एनिमल्स से हमें दूध प्राप्त होता है और डेयरी उद्योग में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक पढ़ते हैं आज हम, पोल्ट्री के बारे में, कुक्कुट पालन के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में। मुर्गी पालन जिसमें मुर्गियों का हम पालन करते हैं और कई सारी जनसंख्या उसका उपयोग करती है। जैसे कि द ट्रेडिशन ऑफ पोल्ट्री फॉर ईटिंग एग्स एंड मीट चिकन इन एनिशिएंट टाइम्स। अंडे व मांस चिकन खाने के लिए आदिकाल से ही मुर्गी पालन की परंपरा रही है। दिस इंडस्ट्री फुलफिल्स ए मेजर पार्ट ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट एज फूड सबस्टांस। यह उद्योग भोज्य पदार्थों में प्रोटीन का एक अच्छा सोर्सेज है। इससे हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। जो चिकन है, अंडरलाइन करेगा, चिकन से हमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में हमें मिलता है। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स 5th पोजिशन इन द वर्ल्ड इन एग प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। भारत विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, यह भी बहुत बड़ी बात है। फॉर गुड ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ इट इज असेंशियल टू प्रोवाइड प्रोटेक्टेड हैबिटेट एंड न्यूट्रिएंट्स फूड फॉर फाउल्स। इसके अलावा मुर्गियों की अच्छी वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है उसे हम अच्छा आवास और पौष्टिक आहार दें, क्योंकि मुर्गियों में भी बीमारी फैल जाती कभी कभी। आज से कुछ वर्ष पहले एक बर्ड फ्लू फैला था बीमारी, जिसके कारण कई मुर्गियों की जान चली गई थी, मुर्गियों को मार दिया गया था। तो मुर्गियों में किसी प्रकार की डिजीज ना फैले, इसके लिए जरूरी है कि हम उनका आवास साफ सफाई रखें और उनका भोजन भी सही मात्रा में उनको दें। क्या क्या लेते हैं वो लोग? द पोल्ट्री फीड इंक्लूड्स मैच, बेडली, पॉलमाइल्स, वीट, ज्वार। यदि बात करें उनके भोजन में मक्का, जो, बाजरा, ज्वार आदि सम्मिलित हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एक और टॉपिक बात करते हैं, वूल इंडस्ट्री के बारे में, ऊन उद्योग के बारे में। ए लार्ज नंबर ऑफ सीप आर डोमेस्टिकेट इज नॉर्थ इंडिया टू ऑब्टेंट वूल। उत्तरी भारत में ऊन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भेड़ें पाली जाती है। वूल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेयर ऑफ सीप, भेड़ों के बाल से ऊन तैयार किया जाता है। द कलर ऑफ वूल डिपेंड्स ऑन द स्पाइसेज ऑफ सीप एंड द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। भेड़ के ऊन का रंग, भेड़ की प्रजाति, उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है। अंडरलाइन करिएगा, कुछ सम इंडिजीनियस ब्रीड, इंडिजीनियस मीन देसी
ब्रीड्स ऑफ शिप लाइक लोही, नाली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, कुछ देसी भेड़ों की किस्मों के नाम दिए गए, लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। इसके अलावा राजस्थान इज एन इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ कंट्री इन वूल प्रोडक्शन पॉइंट्स ऑफ व्यू। राजस्थान ऊन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, जो कि महत्वपूर्ण राज्य भी माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और ऊन उद्योग के बारे में बताया। तो चैप्टर को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, वीडियोस को जरूर देखिएगा, और वीडियो जब भी आप देखते हो उसमें आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, ताकि हम लोगों को पता चल सके कौन सा बच्चा वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा है। नेक्स्ट जो भी छोटा टॉपिक रह रहा है इसको अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।